का सिलेबस लागू किया गया है। 28 बंगाली मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बदला गया है। बाजार बचाओ सुपर 30 लक्ष्य आदि योजना शुरू की गई है, जिसके साथ ही सरकार ने मुख्यमंत्री बीएड अनुप्रेरणा योजना जैसी विभिन्न छात्रवृत्तियों के द्वारा छात्रों को भी सहयोग देने की कोशिश की है। छात्रों के बीच तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक उपाय किए गए हैं। हाल के दिनों में संपर्क और संचार क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया है और एयरपोर्ट के उन्नयन का काम जोरों पर चल रहा है। ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, रेल नेटवर्क विस्तारित किया गया है, वैकल्पिक रेल लाइन के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। दूसरी ओर फेनी नदी के ऊपर मैत्री सेतु का निर्माण पूरा होने के करीब है। नई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और राज्य सरकार अधिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने का प्रयास कर रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने नागरिक केंद्रित सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन शुरू किया गया है और बेहतर पारदर्शिता के लिए ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई गई है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वन नेशन वन कार्ड शुरू किया गया है। आसान और पारदर्शी पेपरलेस सेवा सुनिश्चित करने के लिए नई सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस शुरू किया गया है। आदिम जाति कल्याण हमेशा से सरकार की प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। TTAADC की सीट संख्या 28 से बढ़ाकर 50 करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य के 12 आदिवासी बाहुल प्रखंडों को एस्पायरेशन नेशनल प्रखंड घोषित किया गया है। आदिवासी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 18 नए एकलव्य स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कल्याण विभाग कर दिया गया है और कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों, नदियों, इमारतों आदि का नाम भी स्थानीय नामों के साथ बदलने का प्रयास जारी है। राज्य ने MSME आवास, पेयजल, ग्रामीण विकास, पर्यटन आदि क्षेत्रों के क्षेत्र में समान रूप से उल्लेखनीय प्रगति की है। रोजगार पैदा करने के लिए बांस और रबर आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य ने मनरेगा सौभाग्य योजना जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी रिकॉर्ड बनाया है। इन सब के बावजूद महामारी की स्थिति के कारण सरकार को गरीबों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत विशेष उपाय करने पड़े। नया साल एक नई उम्मीद के साथ आया है। त्रिपुरा को आदर्श राज्य बनाने का मुख्यमंत्री का सपना जल्द ही साकार होगा और मैं इस विशेष दिन पर हमारे राज्य के लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। और आज राज्य सरकार के द्वारा जिन लोगों को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, मैं उन लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये त्रिपुरा सिर्फ मिट्टी और पत्थर का नहीं है। हम भारत को माता कहते हैं, भारत हमारी माँ है, त्रिपुरा भी हमारी माँ है और जब तक हम सभी अपनी त्रिपुरा को अपना नहीं समझेंगे तब तक त्रिपुरा का विकास असंभव है। मैं आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी अपने मन में सोचे कि हम त्रिपुरा को कैसे आगे की तरफ ले जाए, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, जैसे भी हो, कि आज भारत के भौगोलिक नक्शे में त्रिपुरा का नाम ऊंचा होना चाहिए। हम सभी का यही प्रयास होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस 18।